है टुडे इज वेडनेसडे और आज हम ये है कुछ वो उसका सीन है हमारा डिपार्टमेंट है हमारी यूनिवर्सिटी का खाना जो कि हम यूनिवर्सिटी में खाते हैं और फिर घर जाके बीमार हो जाते हैं। मैं कॉमन रूम का टूर दूंगी ठीक है। यहाँ से भी आपको बस के ये बैडमिंटन जब से ये न्यू एडमिशन हुए ना हमारी सड़कें खराब हो गई है। तुम नफरत करो और दर्द ना हो यानी दिसंबर हो और सर्द ना हो। एवरीवन है टुडे इज वेडनेसडे और आज हमारी यूनिवर्सिटी में है बेक सेल वीकेंड सेल ठीक है। और जहाँ पे हम लोग बिल्कुल ही जाएंगे क्योंकि मैं बता नहीं सकती क्यों नहीं जाएंगे ठीक है। वीकेंड सेल से अभी तक गोलगप्पे खाए थे इतने गंदे थे तो वहीं सोच मैंने जाके उनको कहा आपके गोलगप्पे से कुछ खाने से बेहतर हमने प्रेफर किया कि हम कैफे से कुछ खा लें। और अभी हमने लिया अपना लंच और अभी हम लोग जाएंगे और वहाँ बैठ के खाएंगे। और मैं वैसे आपको व्यू दे देती हूँ कि हो क्या रहा है। हम लोग जा रहे हैं उधर मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या हो रहा है हमारे वीकेंड सेल। ये है कुछ वो उसका सीन उसका वीकेंड सेल का ठीक है। ज़ाया करने से बेहतर हम लोगों ने अपना फूड लिया और हम लोग जा रहे हैं कॉमन रूम वो खाने के लिए बिकॉज ऑफ सम फेस प्राइसेस। और आप भी जाओ मुझे कहते हो चलो जब मैं चलने शुरू कर देती हूँ फिर खुद रुक जाती हूँ जी तो ऐसे तुम लोगों का। यहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर फोन से निकलो तो ना गिरो ना। कैसा लगा आपको बेक सेल अपने बेक एंड सेल है हमारा डिपार्टमेंट। और ये है बैडमिंटन कोर्ट ठीक है। इससे जाना था अभी खेलने है ना खेलने जाना था लेकिन क्यों नहीं गई क्यों नहीं गई किसी की गेम हमें तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए ना। और मेरी बाजू ना लैपटॉप की वजह से थक गई है टूटने वाली है। ये यहाँ पे स्ट्रीक बन रही है ठीक है। ये बॉयज हॉस्टल के पास कौन सी स्ट्रीक होती है उधर तो लड़कियों को जाने नहीं देते। ये सारा सीन ऐसा है वैसे इस टाइम पे मुझे डर लग रहा है। सीन ये था कि मुझे जल्दी निकल जाना था घर के लिए क्योंकि मैं बिल्कुल भी पहली क्लास लेने को दिल नहीं था। दूसरी हमारी थी लैब वो तो मैंने ज़बरदस्ती लिया। और यहाँ पे मैं लोग अपना खाना खाएंगे दिस इज अवर बिरयानी दिस इज अवर कैफे की बिरयानी। रुको मुझे लाइट ऑन करने दो ये साइड पे खड़े दर रखते दो। ये है हमारी यूनिवर्सिटी का खाना जो कि हम यूनिवर्सिटी में खाते हैं और फिर घर जाके बीमार हो जाते हैं ना। और दिस इज माय अस्तफला फिर ले गए अस्तफला बोला ऐसा बोल जाना ना कॉमन रूम में आज कोई नहीं सब बैठे हैं ना आंटी आज तो ऊंची बात कर सकते हैं गाने में। बहुत से लोगों को ये इस बात की मतलब बड़ी क्यूरियोसिटी होगी कि गर्ल्स का कॉमन रूम कैसा होता है उसमें क्या होता है क्या होता है। मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं आपको अपना कॉमन रूम का टूर दूंगी ठीक है। एक उधर दो एक लड़की बैठी इधर एक लड़की बैठी है और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं ठीक है। और वो प्रेयर मैट पड़ी है और यहाँ से आप लोग इतनी अच्छी धूप का व्यू ले सकते हैं। और प्रेयर मैट ज़्यादा शोर कर रहा है इसलिए हम लोग तो चलेंगे जाएंगे अभी बैडमिंटन खेलने या हम लोग जाएंगे सामिया बैडमिंटन या टेबल टेनिस बैडमिंटन ठीक है। इससे खेलना मुझे नहीं खेलना। यहाँ पे आप खेल सकते हो टेबल टेनिस। और ये लोग जा रहे हैं। अच्छा मैं बताती हूँ मेरे बैग सारा दिन से ये शोर किया हुआ है कैचर लगाया हुआ टक टक टक। और हमारी यूनिवर्सिटी में एलिवेटर वगैरह का कोई सीन यूनिवर्सिटी में एलिवेटर का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। और ये हम लोगों को बिल्कुल भी स्टेयर्स चढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। मैं समझ तो फिर उधर खड़ी होगी क्या कहेंगी आपकी यूनिवर्सिटी में कैसा इतने अच्छे अरेंजमेंट्स हैं तो आपको कैसा लगता है कौन सा अच्छा अरेंजमेंट हमारी यूनिवर्सिटी में बदतमीजी। यहाँ से भी आपको बस के ये बैडमिंटन कोर्ट नज़र आएगा। और या अल्लाह वो जो बाहर हो रहा था ना वो ख़त्म हो चुका हो। यार मतलब ये कोई टाइम
ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ, वैसे था ही कुछ नहीं। इन अदर वर्ड्स ये बाहर का माहौल। यहाँ पे ये सिविल इंजीनियर्स कुछ लगे हुए हैं, पूछ लो जाके क्या कर रहे हैं मैयर में। इनके प्रोजेक्ट से ये सिविल इंजीनियर्स हैं ना, तो इनका यही काम होता है सड़कों के सर्वे कर रहे हैं। हाँ ये जो इन्होंने कैमरा टाइप रखा है क्या है ये? यार लेवल चेक करते हैं। लेवल मतलब अब रोड बनी हुई है तो उसका लेवल चेक कर रहे हैं। सामने से गाड़ी आ रही है, ये क्या करते हैं ये लोग? तुम मुझे ब्लॉग में बिल्कुल ना डालो। अच्छा तो मैं ब्लॉग में बिल्कुल नहीं डालूंगी। अच्छा बताओ क्या करते हैं? यार लेवल चेक करते हैं ये इससे। अच्छा कौन किसका लेवल चेक करते हैं? माइंड सेट सड़क का। सड़क का ये टूटी हुई सड़क का क्या लेवल हो सकता है? हमारी सड़कें इतनी अच्छी थी, जब से ये न्यू एडमिशन हुए ना हमारी सड़कें खराब हो गई है यार। हाईटेक का तो उन्होंने बुरा हाल कर दिया। ओए गाड़ी आ रही, एक्सीडेंट हो जाएगा। हम लोग जा रहे हैं लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में हम लोग खेलेंगे बैडमिंटन, ठीक है? और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमारा यहाँ खेल। अरे हम घर जा रहे हैं बाय द वे। हम लाइब्रेरी जा रहे हैं, समझो चलना लाइब्रेरी। हम ले चलते तवे, हौसला रखो, हौसला रख पुत्र। ये तो मैं व्लॉग में डालूंगी, तुमने ये बोला क्या फातिमा क्या बोल रही है? और ये था आज का व्लॉग, यहाँ पे हम लोग अपना व्लॉग एंड करते हैं। और मैं ना अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में कभी भी व्लॉग नहीं बना सकती, लेकिन मैं अकेले हूँ ना, मैं अकेले बहुत खुश रहती हूँ। एक तो ये डांस मेरे साथ नहीं होती, और एक और बात बताती हूँ। अच्छा एक मिनट यार, वो मेरी दोस्त ना मुझे इशारे कर रही है सदियों। किधर जा के दे रही हो? यूनिवर्सिटी आ गए हैं पर बच्चे जूनियर्स जो हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बस कर दो। मुझे शर्म आ रही है व्लॉग शूट करते हुए, बस करो। कैसा लग रहा है मुझसे मिलके? बंद करो जरा। अच्छा जी, मैं आधा घंटा अपनी दोस्त के पास थी और ये दोनों मुझसे नाराज हो चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत दफा बुलाया और फिर बहुत गंदा भेजा किया है। और फिर मैंने कहा इंशाल्लाह दोबारा मिल लेंगे। अंगूरियां करना तो छोड़ो,